और बिहार के भागलपुर जिले में एक और पुल टूट गया है। दरअसल यहां पर पिरपैती इलाके में गंगा नदी के तेज बहाव को ये पुल झेल नहीं पाया और फिर ये टूटकर गिर गया। और बड़ी खबर ये नहीं है कि ये पुल गिरा है, उससे भी बड़ी खबर ये है कि इस पुल को सिर्फ 2 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था और 2 साल में ही धराशायी हो गया। लेकिन अब इस पुल ने जल समाधि ले ली है और पुल धंसने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नीतीश कुमार जी के शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी हैं, पुल के पिलर उतने ही सतही हैं। देखिए, इसके लिए पिछले 2-3 महीने में ही हजारों करोड़ की लागत से निर्मित एवं निर्माणाधीन सैकड़ों पुल, पुलिया और मेगा ब्रिज भरभरा करके गिर चुके हैं और बिहार में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है। और इसी की तस्वीर आप देखिए, भागलपुर में तेज बहाव में ये पुल गिर गया। 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस पुल का निर्माण करवाया था और 2 साल में ही ये पुल धराशायी हो गया।